ओके तो भाई फाइनली रेसलमेनिया 40 होने में अब सिर्फ एक दिन बचा है और एक दिन के अंदर फैसला हो जाएगा रोमन रेंज विन करेंगे या फिर कोडी रोड्स विन करेंगे। और कोडी रोड्स के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो के अंदर बता चुका हूं आखिर क्यों कोडी रोड्स को विन करना चाहिए, पर क्या हो अगर रोमन रेंज रेसलमेनिया 40 के अंदर फिर से विन कर जाए जैसे वो पिछले 5 सालों से सारे रेसलर को हराते आ रहे हैं। क्या हो अगर रोमन रेंज फिर से डिथ्रोन कर दे सेथ रॉलिंस को साथ ही साथ कोडी रोड्स को रेसलमेनिया 40 के अंदर बिल्कुल क्लियर तरीके से, क्योंकि भाई रोमन रेंज के पास भाई बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जिसके कारण भाई रोमन रेंज भी विन कर सकते हैं। रोमन रेंज डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के रेसलर जो कि सिर्फ पिछले 4 सालों से नहीं पिछले 10 सालों से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को अपने कंधे पर लेकर चल रहे हैं। शील्ड के तीनों मेंबर में से एक लौते रोमन रेंज ही एक ऐसे रेसलर जिन्होंने अभी तक 7 बार रेसलमेनिया को मेन इवेंट किया। रोमन रेंज एक लौते ऐसे रेसलर जो कि पिछले 10 सालों से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को अपने कंधे पर चलाते आ रहे हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को अगर किसी रेसलर के ऊपर अगर सबसे ज्यादा भरोसा तो हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंज ही हैं, जहां ट्रिपल एच हमेशा न्यू रेसलर को हमेशा पुश करने का कोशिश करते हैं। उन्होंने रोमन रेंज के साथ कभी कंप्रोमाइज किया ही नहीं। इनफैक्ट विंस मैकमैन से ज्यादा बुकिंग आज के टाइम पर रोमन रेंज को मिल रहा है। आज के टाइम पर 2-2 रेसलमेनिया को एक साथ मेन इवेंट कर रहे हैं। ऊपर से भाई सेथ रॉलिंस जैसे रेसलर को भाई रोमन रेंज के वजह से आज के टाइम पर रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने का मौका मिल रहा है। तो क्या डब्ल्यूई वाले रेसलमेनिया 40 के अंदर इतना बड़ा गलती करने वाले क्या रोमन रेंज के हाथ से सच में टाइटल ले लेगी, क्योंकि रोमन रेंज है तो सब कुछ है। पिछले 2 सालों में डब्ल्यूई कंपनी सबसे ज्यादा ऊंचाई पर पहुंची है रोमन रेंज के वजह से। पिछले 2 साल में डब्ल्यूई कंपनी के सारे पीपीवी ने रिकॉर्ड बनाए हैं रोमन रेंज के वजह से। रोमन रेंज आज करेंट टाइम में सिर्फ 150 डेज बचे हुए हैं हल्क होगन का रिकॉर्ड तोड़ने में। क्या डब्ल्यूई वाले इतना बड़ा रिस्क ले सकते अपने कंपनी के सबसे फेवरेट रेसलर को हरवा सकते हल्क होगन का रिकॉर्ड तोड़वाने से पहले, जबकि उस रेसलर का सिर्फ करेंट टाइम 150 डेज बचा हुआ किसी बड़े रेसलर का रिकॉर्ड तोड़ने में। और सबसे बड़ी बात है रोमन रेंज पिछले 4 साल के अपने टाइटल रेन में किसी भी बड़े अपोनेंट को अभी तक फेस ही नहीं किया। अभी भी रोमन रेंज वर्सेस रॉक सबसे ग्रेटेस्ट रिवलरी ऑफ रेसलिंग हिस्ट्री अभी होना बाकी है। अभी भी रोमन रेंज वर्सेस रैंडी ऑर्टन सबसे ग्रेटेस्ट रिवलरी जो कि पिछले 10 साल से पेंडिंग अभी भी होना बाकी है। अभी भी रोमन रेंज वर्सेस सेथ रॉलिंस होना बाकी है, जबकि सेथ रॉलिंस ने इस बात को बोला था कि उनका सपना है रोमन रेंज के साथ रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने का। यह रिवलरी पिछले 12 साल से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आज भी पेंडिंग है, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग रिवलरी है। उसके बावजूद इसके बाद रोमन रेंज वर्सेस सीएम पंक ये रिवलरी अभी बाकी है। ये दोनों ही रेसलर पॉल हेमन के क्लाइंट, ये ग्रेटेस्ट रिवलरी हमें अभी भी देखना बाकी है। मतलब रोमन रेंज ने अभी तक अपने 4 साल के करियर में बड़े बड़े अपोनेंट को फेस ही नहीं किया। मतलब रोमन रेंज को अभी भी ऐसे ऐसे बहुत सारे अपोनेंट को फेस करना जो कि उनके सबसे बड़े अपोनेंट हमेशा के लिए रहे हैं। क्या डब्ल्यूई वाले उस अपोनेंट को फेस करने से पहले उनका टाइटल रेन को एंड कर देगी, या फिर डब्ल्यूई वाले रेसलमेनिया 40 के अंदर रोमन रेंज को एक ऐसा विलेन बना देने वाली है जैसा विलेन हमें रेसलिंग हिस्ट्री के अंदर कभी देखने को ही नहीं मिला। भाई बहुत सिंपल है, अगर रोमन रेंज रेसलमेनिया 40 के अंदर विन करने वाले तो रोमन रेंज का आपको सबसे खतरनाक वाला लुक देखने को मिलेगा। रोमन रेंज बुरी तरीके से कोडी रोड्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे, बुरी तरीके से कोडी रोड्स को मार देंगे। और कोडी रोड्स का इस बार का रेसलमेनिया 40 के अंदर कोई भी स्टोरी नहीं फिनिश होगा, कोडी रोड्स ही फिनिश हो जाएंगे रेसलमेनिया 40 के अंदर। देन उसके बाद हमें रोमन रेंज वर्सेस रॉक का मैच देखने को मिलेगा रेसलमेनिया 41 के अंदर, रेसलिंग वर्ल्ड का एक बार फिर से सबसे ग्रेटेस्ट मैच, ब्रदर वर्सेस ब्रदर मैच जो कि रेसलिंग वर्ल्ड के अंदर कई बार हो चुका है। और भाई चाहे रेसलमेनिया 40 के अंदर स्टोन कोल्ड आ जाए या फिर जॉन सीना आ जाए, भाई रोमन रेंज का खानदान इतना बड़ा है कि आकर सबसे फाइट कर लेंगे। रॉक को भी एक नया पहचान मिलेगा, रॉक भी सबसे ग्रेटेस्ट हील बन जाएंगे अगले 1 साल के अंदर। एक बार फिर से रेसलमेनिया 41 के अंदर सारे ऑडियंस पागल हो जाएंगे जब ब्लड वर्सेस ब्लड का मैच देखने को मिलेगा, ब्लडलाइन वर्सेस ब्लडलाइन का मैच देखने को मिलेगा, ट्राइबल चीफ वर्सेस फाइनल बॉस का मैच देखने को मिलेगा, ब्रदर वर्सेस ब्रदर का मैच देखने को मिलेगा। और आप लोग याद रखिएगा डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को सिर्फ एक चीज चाहिए, सिर्फ एक चीज, ऑडियंस का टेंशन और स्टोरी लाइन। आपको ही पता है जो ऑडियंस का टेंशन और स्टोरी लाइन हमें इस रिवलरी के अंदर देखने को मिलेगा अभी तक हमें कोडी रोड्स और रोमन रेंज के रिवलरी के अंदर भी देखने को नहीं मिला। तो आप लोग वेट करो, एक बार फिर से भूचाल आने वाला, इस बार कोडी रोड्स का स्टोरी फिनिश नहीं होने वाला, कोडी रोड्स खुद ही फिनिश हो जाने वाले। रोमन रेंज एक बार फिर से पूरे रेसलिंग वर्ल्ड को शॉक कर देने वाले हैं कोडी रोड्स को डिथ्रोन करके क्लियर तरीके से। आपको बता दूं भाई कोडी रोड्स एक बहुत बड़े रेसलर नहीं, अगर कोडी रोड्स का स्टोरी नहीं भी फिनिश होता तो डब्ल्यूई वालों को भाई मतलब बहुत ज्यादा उससे प्रॉब्लम नहीं होने वाला। डब्ल्यूई कंपनी का आज के टाइम पर सबसे बड़ा एसेट रोमन रेंज है, डब्ल्यूई वाले किसी भी हाल में रोमन रेंज को खोने नहीं वाली है। एक स्टोरी लाइन, एक बिजनेस, एक ऑडियंस, हर चीज के प्रोस्पेक्टिव से भाई करेंट टाइम में रोमन रेंज ज्यादा सुटेबल रेसलर है कोडी रोड्स के सामने। रेसलमेनिया 40 होने में सिर्फ एक दिन बचा हुआ है और एक बार फिर से रेसलमेनिया 40 के अंदर आपको ब्लड लाइन रूल देखने को मिलेगा, ब्लड लाइन का आपको डोमिनेंस देखने को मिलेगा। रेसलमेनिया 40 के एंड तक सबसे सही होगा, कोडी रोड्स ऑलमोस्ट चैंपियन बनने वाले होंगे, पर पीछे से आकर सेथ रॉलिंस कोडी रोड्स के ऊपर अटैक कर देंगे। एक बार फिर से एक दोस्त को धोखा देगा, एक भाई को धोखा देगा। और आपको पता ही है सेथ रॉलिंस वो सांप है जो कि आज तक किसी को सगा नहीं हुआ है, सेथ रॉलिंस हमेशा सबको धोखा ही दिया। एक बार फिर से हमें सेथ रॉलिंस का सबसे ग्रेटेस्ट वाला हमें हिल टर्न देखने को मिलने वाला रेसलमेनिया 40 के अंदर। आप लोग विश्वास करो रोमन रेंज को भाई हराना आसान नहीं है, अगर रोमन रेंज है तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑडियंस है, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का अगर ऑडियंस है तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का बिजनेस है, भाई बिजनेस है तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी है, सारा एक चेन है, एक साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले सारा चीज को खत्म नहीं करने वाले रेसलमेनिया 40 के। अभी आपको रोमन रेंज का डोमिनेंस देखने को मिलेगा, अभी रोमन रेंज का आपको बहुत सारे अपोनेंट देखने को मिलेंगे, अभी रोमन रेंज बहुत सारे रेसलर का स्टोरी फिनिश करेंगे। 2025 तक आपको रोमन रेंज ऐसे चैंपियन आपको बनते हुए दिखने वाले हैं रेसलमेनिया 40 के। आपका क्या ख्याल है इसके ऊपर भाई सारे लोग बताएगा, साथ ही साथ भाई सारे लोग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लिएगा, सिर्फ एक दिन बचा हुआ है रेसलमेनिया 40 खत्म होने में, सिर्फ एक दिन बचा हुआ है। जिन लोगों को रेसलमेनिया
रेसलमेनिया 40 बिल्कुल फ्री में देखना है, सारे लोग इंस्टाग्राम को पर आ सकते हैं।